Hello students, topic for today's class is respiration in organisms, and in its third part you will get to learn about respiration in cockroach, respiration in frog, respiration in fish, respiration in earthworm and respiration in plants. So first topic is respiration in cockroach. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कॉकरोच के बारे में. कॉकरोच इज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स दैट लीव्स ऑन लैंड, ऑर्गेनिज्म दैट लीव्स ऑन लैंड, फाउंड इन डैम्प एरियाज. कहाँ पाए जाते हैं? डैम्प एरियाज में. कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. जो लैंड पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. कॉकरोच, इट इज एन ओमनिवोरस इंसेक्ट फीडिंग ऑन फूड, ग्रेन्स, सीरियल्स एंड अदर एनिमल्स. ठीक है, कौन सा इंसेक्ट होते हैं? ओमनिवोरस होते हैं, दैट फीड ऑन फूड, ग्रेन्स, सीरियल्स एंड अदर एनिमल्स. द रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज अ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, नोन एज ट्रेकियल सिस्टम. इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया. ट्रेकिया का नेटवर्क होता है, जो ट्यूब्स होती है छोटी छोटी जिससे वो रेस्पिरेशन करते हैं, उसका एक नेटवर्क होता है. उस नेटवर्क को कहा जाता है, उस सिस्टम को कहा जाता है ट्रेकियल सिस्टम. दे रेस्पायर थ्रू द स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्पायरेकल्स, कॉल्ड स्पायरेकल्स. ठीक है, अब उस ट्रेकियल सिस्टम में या फिर जो ट्रेकिया जो होता है उसके आगे या उसके ऊपर की साइड ओपनिंग्स होती है, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, उनको स्पायरेकल्स कहा जाता है. दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन रिच एयर थ्रू द स्पायरेकल्स विच ओपन्स इनटू द ट्रेकियल ट्यूब्स. जो कहाँ खुलती है? ट्रेकियल ट्यूब्स में. जैसा कि आप पीछे में देख सकते हैं, ये स्पायरेकल्स है ओपनिंग्स और ये है ट्रेकियल ट्यूब्स या ट्रेकिया. एयर गेटिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द कॉकरोच थ्रू द स्पायरेकल्स. ठीक है, कॉकरोच की जो बॉडी होती है वहां पर ये ओपनिंग्स होती है जिनको स्पायरेकल्स बोलते हैं, वहां से एयर जो है अंदर के साइड या बॉडी के अंदर मूव होती है, फिर कहा जाती है ट्रेकिया में, और फिर बॉडी, फिर पूरी बॉडी में सप्लाई होती है. इस तरीके का सिस्टम होता है और इस तरीके से कॉकरोच जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म. अर्थवर्म इज अ रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट. अब टेरेस्ट्रियल के बारे में तो मैंने बता दिया आपको, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. आपने अर्थवर्म भी देखा होगा, रेडिश ब्राउन कलर का होता है. इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट आर द ऑर्गेनिजम्स विच डज नॉट हैव बैक बोन. जिन ऑर्गेनिजम के पास बैकबोन नहीं होती उनको इनवर्टिब्रेट कहा जाता है. नेक्स्ट, दे फाउंड इन द अपर लेयर ऑफ द सॉइल एंड इंप्रूव्स द सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की जो अपर लेयर है उसमें पाए जाते हैं. दे आर प्रेजेंट इन द अपर लेयर ऑफ द सॉइल एंड इंप्रूव्स द सॉइल फर्टिलिटी. किसमें काम आते हैं? सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करने में, सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं. इट फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर. जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उस पर ये फीड करते हैं, उससे अपना खाना लेते हैं. प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल में जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर प्रेजेंट है, मरा हुआ सड़ा हुआ जो मैटर है वो प्रेजेंट है, उससे अपना खाना वो लेते हैं. इट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है. दे रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट एंड स्लीमी स्किन. रेस्पिरेशन प्रोसेस कहां पे कंप्लीट करते हैं? ये अपने स्किन के थ्रू. ठीक है, और वो स्किन जो होती है मॉइस्ट एंड स्लीमी होती है. किस वजह से? ड्यू टू द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सॉइल. सॉइल में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से, एंड म्यूकस प्रेजेंट इन देयर बॉडी. एक तो म्यूकस की वजह से पेस्ट होता है, चिपचिपा सा पेस्ट होता है जो कि प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी में, और
मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सॉइल, और सॉइल में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से उनकी बॉडी कैसी होती है, मॉइस्ट एंड स्लिमी होती है। उनकी स्किन जो होती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट एंड स्लिमी। इट पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द वॉटर प्रेजेंट इन द सॉइल यूजिंग द हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ द अर्थवर्म। फिर वो ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, वाटर से, जो कि कहां प्रेजेंट है, सॉइल में, क्योंकि ये सॉइल में रहते हैं। तो जो वाटर होगा वहां पर डिजोल्व ऑक्सीजन जो होगा उस वाटर में, वहां से वो ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है, यूजिंग द हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उनकी ब्लड में, उसके थ्रू उसका यूज करके वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और फिर अपनी बॉडी में सप्लाई करते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन्स द सॉइल इज टू वेट, जैसा कि पता है आपको रेनी सीजन में क्या होती है, सॉइल ज्यादा ही गीली हो जाती है। दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन द रेस्पिरेशन ऑफ द अर्थवर्म, और उसकी वजह से अर्थवर्म के रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन फिर ले नहीं पाते। तो उस केस में क्या करते हैं, हैंस दे कम आउट टू द सरफेस एंड रेस्पायर कंफर्टेबली, और उस केस में क्या करते हैं, फिर वो सरफेस पे आ जाते हैं। जैसा कि आपने रेनी सीजन में देखा होगा, वो आपको रास्ते में या कहीं सॉइल के ऊपर चलते हुए नजर आएंगे। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि उस टाइम रेनी सीजन के टाइम सॉइल क्या होती है, सॉइल जो है वो ज्यादा वेट हो जाती है और उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए वो क्या करते हैं, सॉइल के लेयर के ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आते हैं और वहां से फिर वो कंफर्टेबली रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉग्स। फ्रॉग आर शॉर्ट बॉडी टेललेस एम्फीबियंस। क्या होते हैं शॉर्ट बॉडी, जैसा आपने देखा होगा फ्रॉग्स के बारे में, फ्रॉग्स को देखा होगा, शॉर्ट बॉडी होती है और इनके टेल नहीं होती, ठीक है। दे आर कार्निवोरस, दे आर कार्निवोरस, दे हैव ड्यूअल सिस्टम दैट हेल्प्स देम टू ब्रीथ। अब इनका ड्यूअल सिस्टम क्या होता है मैं बताता हूं आपको। इनके पास ड्यूअल सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो ये ड्यूअल सिस्टम होता क्या है, दे हैव अ पेयर ऑफ लंग्स जस्ट लाइक ह्यूमन बींग। तो पहला तो सिस्टम क्या हो गया कि उनके पास क्या होते हैं, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग के पास होते हैं वैसा ही इनके पास पूरा लंग्स का सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो ये तो हो गया पहला सिस्टम। ऑन द अदर हैंड दे कैन ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन एज वेल, ठीक है। तो दूसरा सिस्टम कौन सा हुआ उनके पास, वो अपनी जो रेस्पिरेशन है या ब्रीथिंग जो है वो अपनी स्किन से, मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन से भी कर सकते हैं, अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो अपने स्किन से भी कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया लंग्स से और दूसरा हो गया स्किन से, दोनों। तो ये दो सिस्टम जो है इसलिए ड्यूअल सिस्टम होता है दैट हेल्प्स देम टू ब्रीथ व्हेन देयर स्किन इज मॉइस्ट और व्हेन दे आर इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर थिन एंड मेम्ब्रेनस स्किन विच इज परमिएबल। जब वो मॉइस्ट होते हैं या फिर अंडर वाटर होते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस या जो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो किसके थ्रू कंप्लीट करते हैं, अपनी स्किन के थ्रू, विच इज परमिएबल टू बोथ वाटर एंड गैस। वो जो स्किन है वो मूवमेंट जो है अंदर और स्किन के अंदर और स्किन के बाहर जो मूवमेंट होता है वो दोनों का हो सकता है, वाटर का भी और गैसेस का भी, इसलिए वहां पे परमिएबल टू बोथ वाटर एंड गैस कहा गया है। When they are on land, और सिंपल सी बात है कि अंडर वाटर है तो स्किन से ब्रीथ कर रहे हैं, और अगर वो लैंड पर आ जाएंगे तो वो किससे ब्रीथ करेंगे, अपने लंग्स के थ्रू, और ऑक्सीजन लेंगे कहां से, वो अपने नॉस्ट्रिल से, जैसे हम लेते हैं, फिर वो पुश करेंगे अपने नॉस्ट्रिल बंद करके और माउथ के थ्रू फिर वो लंग्स तक ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से वो फिर जो है अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन फिश। फिश आर वर्टिब्रेट्स लिविंग इन वाटर। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि इन वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, तो ये वर्टिब्रेट्स जस्ट उसका अपोजिट है कि जिनके पास बैकबोन होती है, एंड फिश आर लिविंग वाटर।
The breathing rate of aquatic animal is higher than the terrestrial animals. Terrestrial animal के बारे में बताया मैंने आपको, the animals that lives on land and aquatic animals जो water में रहते हैं. तो aquatic animals की जो breathing rate होती है वो terrestrial animals से ज़्यादा होती है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो oxygen level होता है, oxygen percent होता है, वो water में कम होता है as compared to on the land. land में जो percentage of oxygen होता है वो ज़्यादा होता है और वाटर में कम होता है, इसलिए उनकी ब्रीथिंग रेट जो होती है एक्वेटिक एनिमल्स की वो ज़्यादा होती है. और ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होने की वजह से वो ऑक्सीजन भी ज़्यादा लेते हैं. फिश हैव सर्टेन प्रोजेक्शन ऑन देयर बॉडी नोन एज गिल्स. अब गिल्स जो है वो आप बात ध्यान में रखना, दे आर फेदरी ऑर्गन्स. ठीक है, फेदरी लाइक ऑर्गन्स होते हैं, फेदर जैसे ऑर्गन होते हैं. ठीक है, जो उनके स्किन पे एक प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन टाइप होता है उनको कहा जाता है गिल्स. दीज गिल्स आर कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स फॉर ईजी एक्सचेंज ऑफ द गैसेज. ठीक है, किससे कनेक्टेड होता है? ब्लड वेसल्स से, जिससे कि ईजी एक्सचेंज हो सके गैसेज का. दीज गिल्स हेल्प द एक्वेटिक स्पीसीज लाइक फिश टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वॉटर. अब ये हेल्प किस क्या करते हैं, ये जो गिल्स है, गिल्स जो है वो किस काम में हेल्प करते हैं? दे हेल्प एक्वेटिक एनिमल्स टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करने में ये गिल्स हेल्प करते हैं, जो कि किस में डिजॉल्व होती है? वाटर में. वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. द गिल्स कंटिन्यूसली कीप्स ऑन मूविंग दैट एनेबल्स इट टू टेक द वॉटर. इट टेक्स द वॉटर थ्रू इट्स माउथ एंड फोर्सेज इट थ्रू गिल्स. फिर जो प्रोसेस जो होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस आ गया है, समझना अच्छे से. द गिल्स कंटिन्यूसली कीप्स ऑन मूविंग. जो गिल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. और क्या होता है? इट इनेबल्स इट टू टेक द वॉटर. ठीक है, इट टेक्स द वॉटर थ्रू इट्स माउथ. फिश जो है वो वॉटर कहां से लेगी? अपने माउथ से. एंड फोर्सेस इट थ्रू गिल्स. और फिर उसको गिल्स के थ्रू फोर्स किया जाता है. वहां पर क्या होता है? वहां पर जो प्रोसेस, जो वहां पर जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन वहां पर ले जाता है. कहां पर? गिल्स में. एज वॉटर पासेस थ्रू द थिन वॉल ऑफ द गिल. जैसे ही वॉटर जो है वो गिल्स के थिन वॉल में पास होता है, द डिजॉल्व ऑक्सीजन मूव्स इन टू द ब्लड वेसल. और वहां से जो, क्योंकि गिल्स जो है ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, तो वहां से क्या होगा? ऑक्सीजन जो है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो गिल्स में जैसे ही आएगा वाटर, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन सीधा कहां पास? ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल में पास हो जाएगा एंड ट्रेवल टू द डिफरेंट सेल्स. और फिर वहां से अलग अलग सेल्स में वो सप्लाई कर दिया जाएगा या ट्रांसफर कर दिया जाएगा. एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी ऑफ द फिश, अलग अलग सेल्स में, अलग अलग टिश्यूज में वो सप्लाई हो जाएगा थ्रू द ब्लड वेसल्स. नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स टू रिक्वायर द फिनोमिनन ऑफ रेस्पिरेशन फॉर सर्वाइवल. प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का फिनोमिना, वो अपने सर्वाइवल के लिए तो रेस्पिरेशन जो है उसकी जरूरत पड़ती है. दे टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड ब्रीथ आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लोअर सर्फेस ऑफ द लीव्स नोन एज स्टोमेटा. अब जो ऑक्सीजन जो एंटर होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वो प्रोसेस किन के थ्रू कंप्लीट होता है? स्टोमेटा के थ्रू. ठीक है, स्टोमेटा. तो ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो एटमोसफेयर से कहाँ जाती है? अंदर. और एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ निकलती है? बाहर, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द लोअर सर्फेस. जो लीव्स का जो लोअर सर्फेस है उस पर ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा. वहां से जो ये एक्सचेंज जो है गैसेस का वो होता है. देख सकते हैं आप रेस्पिरेशन, जो रेड कलर की एरो दे रखी है वो है रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है. तो देख सकते हैं कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है. ठीक है, और इस प्रोसेस में हीट एनर्जी जो है वो भी बाहर निकलेगी.
और साथ ही साथ व्हाइट एरो में क्या दे रखा है आपको, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दे रखा है। जैसा कि देख सकते हैं लाइट एनर्जी है वो अंदर आ रही है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगी, अंदर जाएगी और ऑक्सीजन क्या निकलेगी बाहर, वो किस में होता है, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन बाहर निकलती है और रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। रूट हेयर्स, लेंटिकल, स्टोमेटा आर सम ऑफ द पार्ट्स प्रेजेंट इन प्लांट्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं प्लांट्स के जिनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, जैसे रूट हेयर्स दे रखे हैं, लेंटिकल्स और स्टोमेटा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जो लीव्स के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और रूट हेयर्स और लेंटिकल्स ये भी और दूसरे पार्ट्स हैं प्लांट्स के जो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं इन द प्लांट्स। द रूट्स ऑफ द प्लांट टू रिस्पायर टू जनरेट एनर्जी बट दे फॉलो अ डिफरेंट मेथड, दे टेक अप एयर रिच इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। अब जो रूट्स है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि सॉइल में, तो सॉइल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो वहां से ले लेते हैं। ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, सॉइल में प्रेजेंट जो होती है, सॉइल में जो एयर ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो वहां से कौन लेता है, रूट, और इस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है रूट के थ्रू। द ब्रीथ इन ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द सेल वेयर इट इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। फिर जो ऑक्सीजन ली गई है, जो ब्रीथ की गई है ऑक्सीजन, फिर वो आगे प्लांट्स के बाकी सेल्स को सप्लाई कर दी जाती है, और उससे क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फिर क्या मिलेगा उससे हमको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और क्या मिलेगा, वाटर, ठीक है। बाय फोटोसिंथेसिस द प्लांट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज बट द प्लांट्स रिक्वायर एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड, ठीक है। और मैंने ये बताया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, उल्टा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है, और उस केस में क्या होता है, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्रोड्यूस क्या होता है, ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, ठीक है। फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो वो हमको उससे क्या मिलती है, एटीपी, एनर्जी मिलती है, विच इज द एनर्जी करेंसी, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और किस फॉर्म में स्टोर रहती है, एटीपी की फॉर्म में। दिस कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एटीपी रिक्वायर्स रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इस प्रोसेस के लिए, ग्लूकोज से एटीपी बनाने के लिए हमको किस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस की, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तभी ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। इक्वेशन फॉर्म में देखते हैं, इक्वेशन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन प्लांट इज एज फॉलोस, देख सकते हैं ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, ठीक है, क्या मिलेगा हमको, H2O, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी मतलब एनर्जी। दिस एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस एक्सक्रीटिंग वेस्ट मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी बनी है एटीपी, जो एनर्जी बनी है वो कहाँ कहाँ पर यूज होगी, फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मैंने अभी बताया उसको परफॉर्म करने के लिए, एक्सक्रीटिंग वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, एंड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये एनर्जी जो है वो यूज होगी। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट इज लेसर देन द एनिमल, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है प्लांट्स का वो एनिमल से कम होता है, बिकॉज एनिमल रिक्वायर्ड टू टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग, बट इन प्लांट्स ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो रेस्पिरेशन के टाइम ऑक्सीजन तो ले लेते हैं लेकिन साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज भी करते हैं, ऑक्सीजन बाहर भी निकालते हैं, इसलिए उनकी रेस्पिरेशन रेट जो होती है प्लांट की वो एनिमल्स के कंपेयर में कम होती है। सो लेस ऑक्सीजन हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग, इसलिए वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन बहुत ही कम क्वांटिटी में लेते हैं। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।